السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وصلى الله وسلم على معلم الانسانية محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أجل मैं आपको जो कायदा समझाना चाहता हूं वो बड़ा अहम है मेरे भाइयों और मैंने अक्सर व बेशतर तलाबा को उसमें गलतियां करते हुए पाया है इसलिए आप इस बात को ज़रूर समझें जो आज मैं आपको समझाना चाहता हूं अगरचे कायदा मालूम होता है लेकिन मश्क न होने की वजह से इसमें अक्सर गलती होती है वो कायदा क्या है कि जब नात सिफत की सूरत में आए जुमले की सूरत में नात आए सिफत जुमला बनकर आए तो किस तरह से इस्तेमाल करेंगे एक मेहमान जो मेरे पास आए थे उन्होंने तलाबा को नसीहत की आपको ये बात कहना है तो कैसे कहेंगे देखिए एक मेहमान जो मेरे पास आए थे तो आप कहेंगे वहीफुन 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 माने मेहमान वहीफुन तनवीन भी लगा देता हूं आपके लिए كان جاء الي ضيف كان جاء الي وعظ बा वो मेहमान जो मेरे पास आए थे उन्होंने तलाबा को नसीहत की तो अक्सर इसमें गलती क्या करते हैं ये जुमला सही है लेकिन अक्सर जो गलती होती है इस जुमले में वो ये होती है के कहते हैं वहीफन अल जाया अतुल्लाबा ये ये गलत जुमला है दूसरा जुमला गलत है पहला जुमला सही है क्यों एक बात समझने की है वो ये है कि जुमला नकेरा के हुक्म में होता है जुमला नकेरा के हुक्म में होता है काना जा ये पूरा जुमला है काना पहले नाकिस है उसमें जो जमीर है हुआ की वो काना का इसम है जा आ इलैया ये जुमला बनकर काना की खबर है तो पूरा जुमला हो गया ये काना जा आ इलैया ये जुमला नकेरा की सूरत में है नकेरा होता है जुमला और जयफुन ये भी नकेरा है इस पर अली फ्लाम नहीं है तो अब मुताबकत हो गई इन दोनों में Premises, और आपने अल्लाजी कह दिया तो इसमें मौसूल ये मार्फा होता है तो नकेरा अल्लाजी, अल्लाजी, गईफुल्न अल्लती, ने अल्लाई ये जो इसमें मौसूल है मुजक्कर के लिए अल्लादा नेदीना और मोनस के लिए अल्लती अल्लाता ने ये सब मारिफा होते हैं तो अगर अलजी इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगा पहला जुमला सही है दूसरा जुमला गलत है दूसरी मिसाल जो शख्स जो शख्स मेहनत करता है वो कामयाब होता है अर्रजुलदी यज तू अर्रजुलदी यज तही यंजहु यंजहु फिल हयाती तो अर्रजुलदी यज तहीदू ये मौसूफ सिफत का जुमला है हैदी यज तहीदू वो आदमी जो मेहनत करता है ये मुबतदा हुआ और फिल हयाती ये खबर हुई वो कामयाब होता है जिंदगी में तो ये जुमला सही है कि अर्रजुलू ये भी मारिफा है और अलजी भी मारेफा है तो ये जुमला सही है इसके बरक्स अगर आप लिखेंगे रजुलज तहीदूल हयाती ये गलत हो जाएगा दूसरा जुमला गलत हो जाएगा क्योंकि अल्लज़ी मारिफा है रजुल न कह रहा है और मिसालों से आप समझिए ये वाहिद की मिसाल है मेरे वो दो दोस्त जिन्होंने मेरी मदद की थी दिल्ली चले गए मेरे वो दो दोस्त जिन्होंने मेरी मदद की थी दिल्ली चले गए तो आप कहेंगे स... सदीका या اللذان ساعداني سافر إلى دلهي استنسخ في استعمال الكريم सदीकाया मेरे दो दोस्त सदीकाया सदीकुन एक दोस्त को कहते हैं सदीकाने दो दो दोस्त दो दोस्त के लिए आती है सदीकाने और या मेरे के लिए तो या मुजाफिल है और सदीका ने मुजाफ है जब मुजाफ होता है तो उस नून तसनिया का और जमा का गिर जाता है इसलिए ये नून गिर गया ये आपको बाद में भी बताई जाएगी इनशाला हो मेरे दो दोस्त ये मारिफा की एक मारिफा की एक मारिफा की एक, कि एक किस्म मुजाफ इलल मारिफ़ा भी है जमीर है सब मारिफ़ा होती है या मारिफ़ा है सदीक़ या की तरफ मुजाफ है तो ये भी मारिफ़ा हो गया तो ये मारिफ़ा है तो अब अल्लादाने आप कहेंगे सदीका या ने सादानी और सदीका दो है तो अल्लादाने भी दो के लिए इस्तेमाल होता है इसमें मौसू तो कहेंगे सदी का सा अदानी ये भी तस्निया है सा अदा साफरा ये खबर है साफरा सा फरा अब अगर कहेंगे सदीकाया सा अदानी सा फरा गलत हो जाएगा क्योंकि ये मौसु सिफत में मुताबकत नहीं हुई जाने लाना पड़ेगा आपको मेरे वो दो दोस्त और अगर नकेरा इस्तेमाल करना है इनको इन्हीं को नकेरा इस्तेमाल करना आपको मेरे दो दोस्त जिन्होंने मदद की थी आपको नकेरा के तौर पर इस्तेमाल करना है तो ऐसे कहेंगे सदीका ने ली अब सदीका ने पर अली फलाम नहीं आया और ना इजाफत हुई ये ली करके आपने कहा मेरे दो दोस्त कोई जिनको आप भी नहीं प... आप मुखातब नहीं पहचानता है मेरे दो दोस्त अगर सदीकाया जब आप कहेंगे तो मतलब मुखातब वाकिफ है कि वो दो दोस्त कौन है जिन्होंने आपकी मदद की थी और स, जब सदीका ने कहेंगे तो नकेरा है, मतलब मुखातब पहचानता नहीं है कि आपके जिन दो दोस्तों के बारे में बता रहे हैं वो कौन है तो उस वक्त सदीका ने कहेंगे नकेरा नकेरा मतलब जिनसे वाकिफ नहीं है और जिनको पहचानते नहीं है जिनकी तायीन नहीं है सदीका ने ली मेरे वो कोई दो दोस्त जिन्होंने मदद की थी तो अब यहाँ अल, अल्लाजा ने नहीं लाएंगे बल्कि आप कहेंगे ساعداني سافر إلى دلهي صديقان لي ساعداني سافر يهنا یہ تك موصوف صفة هو صديقان لي موصوف هو ميره صديقان ये मौसूफ है और न कह रहा है आप जिन्होंने मदद की थी ये सिफत आपको लाना है तो अल्लादाने नहीं लाएंगे ये गलत हो जाएगा सदीका ने ली अल्लदाने सादानी साफरा ये गलत जुमला है हालांकि जो का तर्जुमा आ रहा है उर्दू में मेरे दो दोस्त जिन्होंने तो जिन्होंने या जो के लिए हम अरबी में अल्लाह जी इस्तेमाल कर देते हैं तो आदमी सोचता है जो आ रहा है तो इस्तेमाल कर दो लेकिन ये नहीं यही गलती होती है होना ही चाहिए हम देखें कि ये मारिफा या ना कह रहा है मौसुफ जिसकी हम बात बताना चाहते हैं कि जिन्होंने मदद की तो तर्जुमा तो जिन्होंने जो का होगा लेकिन अली फलाम अगर है पहले वाले पर मारिफा है या अलीफलाम है तो फिर आप अल्लाजा ने लगाएंगे लगाएंगे और अगर ये नहरा सदीका ने न है तो मेरे वो दो दोस्त जिन्होंने के लिए आप अल्लाजाने नहीं लगाएंगे बल्कि ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे इसलिए कि जुमला है सा फैल है फाइल है मफहल है इसमें सब है क्योंकि सादा आदा फैल है इसमें हुमा की जमीर जो सदी खाना की तरफ लौट रही फाइल है नी ये मफूल है तो ये दूसरा जुमला गलत हो गया ये सही है पहला जुमला अब जमा में देख लीजिए जो उल्मा दावत का काम करते हैं वो इज्जत याफ्ता होते हैं तो आपको कहना है अल उल अलबीना यकुमूना बिद्यावतील्ला करमून खबर है वो अल-उलमा आया है अली फ्लाम तो इसलिए आप लगाएंगे ये जुमला सिफत बन रहा है वो ओलामा जो दावत का काम अंजाम देते काम अभी मैंने अंजाम देना अलौलोना बी दावती मकरमूना वो इज्जत पाने वाले होते हैं उनका इकराम किया जाता है तो ये जुमला सही हुआ गलत क्या होगा ये गलत हो जाएगा यकुमू ना ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये ना है ये मारिफा है अगर आपको खेरा की सूरत में लाना है कि वो ओलैमा जिनको मुखातब नहीं जानता है दावत का काम करते थे जो उनका इकराम किया गया अगर ये कहना है तो आप कहेंगे ओलेमा कू कानू नू वतीकर वो उलमा जो दावत का काम करते थे उनका इकराम किया गया या मुकरमुना भी कह सकते हैं तो अब तर्जुमा एक होगा बस फर्क माने में यह होगा कि ये मारिफा है ये न है ये कोई भी है जिनके बारे में आप कह रहे हैं जिनसे वाकिफ नहीं है कान उकमू नावती वो चंद ऊलामा जो दावत का काम करते थे वो इकर किए गए उनका इकराम किया गया तो अब यहाँ अल्लाजीना अगर दाखिल कर देंगे आप ओलमाओं की बात तो गलत हो जाएगा इसलिए कि यह अलौलमाफा है इसलिए अलजीना आया और ओलामा उ ना इसलिए कान उकुमूना डायरेक्ट कह देंगे तर्जुमा एक होगा दोनों का वो ओलामा जो दावत का काम करते थे इसका तर्ज वो चंद ओलामा जो दावत का काम करते थे ये जमा गया मोहनस का देख लीजिए अब <coughs> मोहनस का देख लीजिए मुस्लिम औरत जो पर्दा करती है वो महफूज होती है अल तहतमु तहतम हिजाबी मसून साना यू के मायने महफूज करना मसून वो जिसकी हिफाजत की जाए यानी जो महफूज हो तो वो मफूल आएगा मसूनत तो वो औरत जो पर्दे का अहतमाम करती है अल्लती बिल हिजाबी मसून तो ये कहेंगे आप अगर आपको नकेरा इस्तेमाल करना है तो यूं कहेंगे मर अतुन बिल हिबी मसून अब ये नकेरा है तो इसलिए यहां अल्लती नहीं आएगा अगर कोई अल्लती लगा देगा यहां जैसा कि अक्सर लगा देते हैं यही गलत हो जाएगा आप मरअतुल न के रहा है तो डायरेक्ट कहेंगे तर्जुमा तो होगा एक औरत जो पर्दा पर्दे का अहतमाम करती है जो का तर्जुमा हो रहा है अरबी में लेकिन अल्लती नहीं आएगा क्योंकि ये न के रहा है यही बात याद रखने की यही मैं समझाना चाहता हूं वो एक औरत जो पर्दे का एहतमाम करती है मसूनत वो महफूज है यहां आप एक औरत के बारे में किसी औरत के बारे में कहना चाहते हैं जिसको मुखाताब जानता नहीं है यह वाहिद मोनस तस्निया मोनस का इस्तेमाल मेरी दो बहनें उख्ताया अल اللتان تعلمتا في لكنو زوجتا اختايا اللتان تعلمتا في لكناو زوجتا زوجتا يا ربي بھی لگا يا آپ تعلمتا أختايا ख्तन एक बहन उख्ता अभी बताया था सदीका ने तो उख्ता ने था या की तरफ इजाफत की तो उख्ताया अब ये मुजाफ है या मारिफा या ना केरा, आप बताइए ये मारिफ़ा है क्यों क्योंकि ये मारिफ़ा की तरफ मुजाफ है जमीर मारिफ़ा होती है जो उसकी तरफ मुजाफ हो वो भी मारिफ़ा बन जाता उख्ता तो है उख्ताया तो मार्फा है इसलिए अल्लाह ने मेरी वो दो बहने जो तालमता पढ़ी है तालमा ने सीखना जिन्होंने इल्म हासिल किया लखनऊ में जूब भी उन दोनों की शादी कर दी गई है अब इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे बगैर ताने के तो गलत हो जाएगा अगर नकेरा बनाना इसको तो ऐसे कहेंगे ने आखिर बाद में उख्ता ने ली मेरी कोई दो बहने कई बहने हैं तो कोई दो बहने ये नकेरा हो गया और अगर दो ही बहने हैं जिनको सब लोग जानते हैं तो उख्ताया आप कहेंगे और पांच बहने हैं उनमें से दो बहनें हैं अब सामने वाले को नहीं मालूम कौन सी दो बहने जो लखनऊ में पड़ी है तो नकेरा आप कहेंगे है मेरी कोई दो बहने कोई इसलिए कि कई बहने तालता तो यहाँ अब ये मारिफा या न कह रहा है न कह रहा है क्योंकि ये इजाफत नहीं हुई है ली करके आपने मेरा तर्जुमा किया मेरे लिए दो बहने यानी मेरी दो बहने तो अल जिन्होंने लखनऊ में पढ़ा है तर्जुमा जिन्होंने कहा आ रहा है तो यहाँ जल्दी में अक्सर तलाबा यही गलती करते हैं कि ऐसी जगह पर भी अल्ला ने कह देते हैं ये गलत है आप उख्ता ने जब न कह रहा है तो कहेंगे मताफी लखनऊ जू भी जाता अब जमा मोहनस का एक जुमला बना के खत्म करते हैं अन्नीस हमें कहना है वह औरतें जो बच्चियों को पढ़ाती हैं कामयाब हैं तो कहेंगे अनिस अल्लाई अल्लाह भी सही है और अल्लाती भी सही है दोनों आते हैं जमा के लिए अल्लाह अल्लाती उल्लाती यो अम्ना लबनाती ना जी खातन वो औरतें अल्लाम्नाम जो पढ़ाती हैं वो अलबनाती बच्चियों को ना जी हातुन वो कामयाब हैं तो ये मारिफा है ना केरा आप कह देंगे मारिफा है तो इसलिए अल्लाह ती लाएंगे और कोई औरतें जो बच्चियों को पढ़ाती हैं वो कामयाब हैं तो आप कहेंगे निसा निशाउन योना अब यहाँ अल्लाती अगर कोई लगा देगा गलत हो जाएगा क्योंकि न कह रहा है निशा उन तो अगर से तर्जुमा हो रहा है वो कुछ औरतें जो बच्चियों को जो का तर्जुमा हो रहा है तो अल्लाती लगा देना गलत होगा नाज हातुन आ, ये खबर है नाज हातुन अब आपको जुमले लिख देते हैं हम वो इसमें मौसूल कौन कौन से आते हैं मुजक्कर के लिए अल्लाजी अल्लाजान तसनिया के लिए और जमा के लिए और मोनस के लिए اللاتي واحد مؤنث اللتان تثنيه مؤنث اللاتي او يا